मेरा नाम सतीश पंडित है। नहीं नहीं ऐसा ही तो है, मैंने गलत कहा कुछ? अच्छा मैं परिचय दे दूँ, शायद कुछ लोग पहली बार मिल रहे हैं। और 2 साल से मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने तब मेरे साथ काम किया जब मैं भी अनाड़ी था। और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का है, एंड लैंडस्केपर बींग जर्नलिस्ट मैंने काम किया 11-12 साल। माई वाइफ शी इज़ वर्किंग एज एन ऑफिसर विद स्टेट गवर्नमेंट। 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है। और 2 साल में उस मालिक की कृपा से, अपलाइन की हेल्प से और इस सिस्टम की ताकत की वजह से लगभग 13-14 लाख रुपए मिले मेरे को। और इस समय पर मंथ की जो इनकम है वो अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस, ठीक है। और मैं बहुत विनीत हूँ, बहुत कृतार्थ हूँ उन लोगों के प्रति जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, स्पेशली मिस्टर सुरेंद्र गुर्ज जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मुकेश जी कोठारी, पाकिस्तान जी चावला किनाज, और वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर त्रिलोक छावरा जिसने मेरे जैसे और आप सब जैसे लोगों को एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और आजकल जो मैं अनुभव करता हूँ और बड़ा अच्छा फील होता है और बड़ी दुआएं देता हूँ मैं उन सब लोगों को, मालिक उनकी उनको स्वस्थ रखे, उनकी लंबी उम्र करे, हमें बहुत जरूरत है आजकल उनकी, बहुत दूर तक जाना है। और जिस मुकाम पे मैं आज हूँ और मेरे जैसे कई हजार लोग हैं हिंदुस्तान भर में, 2 साल में मैंने जो किया आने वाले टाइम में उसी काम को लोग 6-8 महीने में भी करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट और सिस्टम इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारी डेवलपमेंट अभी पिछले सालों में हुई है। आप सब देख रहे हैं प्रोडक्ट की रेंज इस तरह से बढ़ी है। तो बिजनेस को लेके भी आज तक हम 2 ग्रुप की बात करते थे, ए और बी, ठीक। उसको लेके भी कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी है कि भी इससे भी बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है या इससे भी ज़्यादा इनकम कैसे आ सकती है, उस विषय में हम आज बात करेंगे। और जहाँ तक पहले 2 ग्रुप की बात है, ए और बी की बात है, वी ऑलवेज टीच 2 ग्रुप, 2, 4, 10 ग्रुप भी कोई बनाए, लेकिन ऑलवेज टीचिंग क्या है, 2 ग्रुप की। सबसे पहले क्या होता है, सिक्योरिटी। हाँ जी, एक पायलट कितनी तेजी से उड़े ये बाद में चेक करता है, क्या वो आकाश में तैरता हुआ रहेगा, सिक्योर रहेगा, ये पहला चेकअप, ये पहले चेक करने वाली चीज है। दैट्स वाई 2 ग्रुप, 2 ग्रुप डेप्थ डीप डाउन उसकी एजुकेशन है। और पहले 2 ग्रुप में जो चैलेंजेस शुरू में हम फेस करते हैं, ऐसी फीलिंग रहती है कि इनकम कहाँ से आएगी, बड़े से आएगी छोटे से आएगी, समटाइम किसी कारण से आपका एक ग्रुप जो है बड़ा होता है, अमूमन सबका होता है। तो इधर मान लीजिए बड़े ग्रुप में 3 लाख का बिजनेस है, तो इधर 60,000 का बिजनेस है। हाँ जी, तो समटाइम हम ये गलती करते हैं कि सारा टाइम छोटे ग्रुप में देते हैं, ये इनकम तो वहाँ से आना है, प्रैक्टिकली ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? बेशक इनकम छोटे ग्रुप से आनी है, पर तय कौन करेगा कितनी आनी है, बड़ा ग्रुप। यदि बड़ा रहेगा तो छोटे का महत्व है। अगर हम सारा ध्यान इधर देंगे तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, बड़े वाला छोटा हो जाएगा। हमारे दिमाग में बहुत सारी चतुराई चलती है, तो उसी के चलते बहुत बार, और आगे जब रॉयल्टी में जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। रॉयल्टी की इनकम जब आएगी तो कैसे आएगी, बड़े ग्रुप से आएगी, तय कौन करेगा, छोटा ग्रुप। हेलो, 3,50,000 कितने परसेंट ऊपर आए कौन तय करेगा, छोटा ग्रुप जिसको हम आज तक नहीं देख रहे। और जब टेक्निकल में जाएंगे तो ये फिर पलट जाएगा। हेलो, इसलिए हमारा बिहेवियर दोनों ग्रुप के लोगों के साथ सामान्य और अच्छा रहना चाहिए। बड़ा ग्रुप जो है वो एक्चुअली में इसको जो टर्मिनोलॉजी जो है MLM की, उसको बोलते हैं बोनस लेग, बोनस वर्चुअल इनकम उससे आती है। तो समटाइम वी वर्क हियर और छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कर लेते हैं, और फिर सारा ध्यान इधर, इन राइट प्रपोर्शन। ऐसा बार बार कहा जाता है, इतनी सारी किताबें, टेप्स, टोटल जो अच्छा अच्छा करने की एजुकेशन है वो इसीलिए है कि हम अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करें और अपनी चतुराई को थोड़ा कम करें।
एक व्यक्ति था, उसका एक हाथ कट गया। तो जब डॉक्टर उसको ड्रेसअप कर रहा था, उसने पूछा कि कैसे कटा? बोला चारा काटने की मशीन में आ गया। डॉक्टर ने बोला कि शुक्र है बायां ही कटा, दायां कटता तो बहुत नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब आप भी क्या बात करते हो, आया तो दायां ही था, मैंने निकाल के बायां लगा दिया उसमें। ये दोनों ग्रुप आपके हैं राइट और लेफ्ट। समटाइम आपको ये बात बहुत देर बाद ध्यान में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ईसा ने कहा था कि मालिक इन्हें माफ कर रहा, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो समटाइम आपके अपने को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो अगर आपने वो 10% टेप सुनी हो तो उसका लबोलवाब यही है कि जो आपको ऊपर से गाइडेंस आ रही है, जो आपको यानी सीनियर जो जज कर रहे हैं और आपको काउंसिल कर रहे हैं, दैट इज अ वाइटल थिंग। यदि आपके मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति को वॉच करें, सपोज अपनी समटाइम अपना से शिकायत होती है कि वो तो जी वो तो हमें इसलिए टाइम नहीं दे रहे क्योंकि वो तो 3 लेग पे काम कर रहे हैं। हेलो, किसने रोका? अभी करिए। लेकिन इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मेरी नज़र में है वो ये है कि आप जब इस बिजनेस में काम शुरू करते हैं, काम शुरू करने का मतलब है कि आपके साथ लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा। हेलो, ठीक। तो आप ये ध्यान दें कि पता नहीं आपको इस बिजनेस से आने वाले पैसे की कितनी जरूरत है भी कि नहीं है, कि आप शौक क्या कर रहे हैं, क्या आप एक तकमे के लिए कर रहे हैं, एक ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं या टाइम पास के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, हो सकता है कि इस बिजनेस से जो उनको एक्स्ट्रा पैसा आने वाला हो, मे भी उनका एक ही ड्रीम हो कि माँ का इलाज करवाना है। हेलो, इस बिजनेस में हम मशीनों के साथ काम नहीं करते, हम प्रोडक्ट के साथ भी काम नहीं करते, हम लोगों के साथ काम करते हैं। लोगों के इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, जेन्युइन है। तो हमारी अपनी समझ और अपनी चालाकी की वजह से ऐसे लोग जो जेन्युइन हैं, जिनको जरूरत है और वो पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, उनके राइट्स, उनके हक आपकी वजह से, मेरी वजह से खत्म ना हो रहे हैं। और यहां तक सेकंड थर्ड ग्रुप का भी यह है कि थर्ड ग्रुप मींस ज्यादा जिम्मेवारी, यदि आप नहीं निभा पाए तो उन लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, बट इट। और आपके अपने सर्वाइवल के लिए भी ये जरूरी है कि जब दो ग्रुप आपके मैच्योर हो जाए, उसमें लीडरशिप आ जाए, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, देन यू कैन मूव फॉर द थर्ड वन। एक ही बात है कि जब आप थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हो या काम कर रहे हो, आपके जो चल रहे ग्रुप उनमें एक्टिव पॉजिटिव ग्रोइंग जो लोग हैं उनकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो केयर की हो, जो भी हो। मैं तो इस क्राइटेरिया पे काम करता हूं, वो सब यही सिखाते हैं। और शुरू में जो दो ग्रुप की टीचिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो हैं इस बिजनेस में जब आते हैं तो हर आदमी हर महीने बहुत सारा खर्च करे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये लंबे समय तक अफोर्ड नहीं हो सकता, मोस्टली लोग नहीं कर सकते। यदि ज्यादा इनकम लेने के लालच में हम छोटे से भी जाते रहे वो ज्यादा गलत हो जाएगा। सिक्योरिटी फर्स्ट। दो ग्रुप का मायने है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगाए, जब आपके दो ग्रुप मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी का शिनाख्त क्या होती है कि जो काम आपको करने पड़ रहा है किसी ग्रुप में, जब उन कामों की जिम्मेवारी आपके ग्रुप के लोग स्वयं ले लें, मीटिंग खुद लेते हों और जो क्लरिकल काम है सिखाने के वो सब काम करते हों, मीटिंग्स में अपने आप आते हों, लोगों को लेके आते हैं, वो है मैच्योर ग्रुप की शिनाख्त। और कुछ लोगों की इनकम ऐसी हो जाए कि वो किसी को दिखाएं या बात करें उसकी, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करें, जहां उनकी जो इनिशियल फंडामेंटल जो नीड्स हैं वो उससे मीट आउट होती हों। ये 2-4 सिंबल हैं जिससे आप ये जान सकेंगे कि ये ग्रुप जो है ये मैच्योर हो जाए। और कैलकुलेशन वाइज अगर आप काउंट करेंगे, अगर दो ग्रुप में 3-50 और 1-15 का अगर बिजनेस है तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली इनकम कितनी होगी? गैस इट? नहीं सर, 16,000 रुपये आसपास। हाँ जी, ठीक है। यदि इस टोटल बिजनेस को 3 लेग में डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो इनकम है ये जंप करके 24,000 रुपये तक जा सकती है। ऑफ कोर्स, दो की बजाय 3 ग्रुप में काम करने से इनकम है, लेकिन कौन कर पाएगा?
या किसके लिए एडवाइजेबल है कि उसको करना चाहिए। यदि आपसे कोई ये पूछता है कि सर मैं दो तो खत चल रहे मेरे, मैं तीसरा करूं, तो तब आप उसको क्या गाइड करें, यू मे गो फॉर थर्ड विद प्रॉपर काउंसलिंग, पूछ के। क्योंकि जो भी व्यक्ति इसके लिए जाएगा उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है, ऑफकोर्स बाकी सारे कंटेंट्स वाइटल है, लेकिन जो आदमी प्रॉफिटेबल बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होगी, दैट पर्सन मस्ट बी वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन होता है, जिसके अंदर आग धधकती है हर वक्त, हेलो, जो काम करके नहीं थकता, जिस दिन काम ना करे वो तब थकता है। तो यदि आप इस तरह का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने आप को चेक करें कि इस तरह की ख्वाहिश है अंदर में। यस, अंबिशन, क्योंकि बड़ा बिल्ड करेंगे चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और जब ये मुश्किलें आए, चुनौतियां आए, विपरीत स्थितियां आए, सातवां दिन आए, तो एक चीज है जो आपको टिकाती है, अंबिशन, बड़ा गोल, बड़ा ड्रीम, और अंदर से चल रहा विचार। जो अंबिशियस होगा वो किताब भी पढ़ेगा, उसको पता है कि सूत्र यही है, यहीं से शुरू होना है, गॉट इट, ऐसे नहीं। यस, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप चेक करें, पूछें कि भाई है गुर्दा, गुर्दा है कहां होता है। इसी आदमी ने बड़ी चतुराई की बात की, तो उसने बोला कि कमाल कर दिया तूने, बोला ये सब किडनी का कमाल है, बोला किडनी यहां नहीं होती भाई, ये पर होती है। फाइव फैक्टर्स फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, 3, 4, 5 लैक, फाइव फैक्टर। फर्स्ट वन, पहला क्या है, एम्बिशन लेवल, खुद करना तो चेक करें कितना है, कितना कष्ट जा सकते हैं अपने ड्रीम के लिए, कितनी दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग चलते हैं बड़े जोश से वहां तक जहां तक पहली मुश्किल ना आ जाए, पहली मुश्किल, कुछ लोग वहां तक चलते हैं जहां से 2-4 मुश्किलें ना आ जाए, और कुछ लोग वहां तक चलते हैं जहां तक थक ना जाए, थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, और कुछ ही लोग होते हैं वो तब तक चलते हैं जब तक पहुंच ना जाए, वो एम्बिशियस लोग होते हैं। प्रॉफिटेबल वाइड बिजनेस, चेक इट आउट, वन मस्ट बी वेरी एम्बिशियस हु इज विलिंग टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ बिजनेस, गॉट इट। यस, सेकंड वन इज अफोर्डेबिलिटी, अलग अलग ग्रुप में काम करेंगे, वाइड करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 ग्रुप एट द सेम टाइम एक शहर में नहीं चलते, चलाने भी नहीं चाहिए, सेंसिटिव विषय है। तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाना आना खर्चा होगा, अपनी अपलाइन के साथ काउंसिल करें। पहले भी ये बात आई होगी कहीं कि अब काउंसलिंग का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसको आप अपने सारे हालात शेयर कर सकें, डॉक्टर को जब तक आप सारी स्थिति नहीं बताएंगे तो आपका इलाज ठीक से नहीं होगा। आपकी एक्टिव अपलाइन में 1, 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं, जहां भी आपका मन मिलता हो उस व्यक्ति के सामने आपके सारे हालात, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सब चीजों को डिस्कस करें ताकि नेक सलाह मिल सके, क्योंकि ये दूर तक जाने वाली बात है, ये आइडिया डेली चेंज नहीं होगा, सुबह से शाम का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे पैसे मिलेंगे अगर 2 साल हम इकट्ठे रहकर काम करेंगे, 4 साल हम इकट्ठे रहेंगे, कौन सा करें उसको। आपकी अफोर्डेबिलिटी, शर्माए नहीं उसमें, ऐसी तवक्को ना रखें कि भाई 2 महीने चलने तक तो मेरा खर्चा है, उसके बाद चेक आ जाएगा 20,000 का, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। किसी अल्यूजन और कंफ्यूजन में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लें। अफोर्डेबिलिटी मीन अफोर्डेबिलिटी, सीरियस बिजनेस है, सीरियस पैसा देता है, चेक इट आउट। लिस्ट, थर्ड वन, बड़ा बिजनेस, लिस्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको इस तरह का बिजनेस खड़ा करना है तो आपकी लिस्ट कैसी है, कितने लोगों को आप जानते हैं, और हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास 2 तरह की लिस्ट होती है, एक उन लोगों की जिनको वो जानता है, और एक उन लोगों की जिनको वो नहीं जानता, और जिनको आप नहीं जानते वो लिस्ट बहुत बड़ी है, लगभग 110 करोड़ की,
इंडिया में, और जिनको आप आज नहीं जानते उनको आप कल जान सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं कैसे करूं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई आप तो अपनी बीवी को भी नहीं जानते थे शादी से पहले, जानते थे क्या? हाँ जी है, कुछ लोग जानते हैं, उनके अनुभव ज्यादा अच्छे नहीं है। देखो जो नहीं जानते थे वो तो चलो इस उत्सुकता में उन्होंने 2 साल काटे होंगे, क्योंकि वो जान ले, शायद आज जान ले, शायद कल जान ले। जो पहले जानते थे उनकी तो जान ही चली गई। जिनको आप नहीं जानते अगर आप उनको अच्छे से मिले, जो हमने शुरू में बात की, बीए पब्लिक पर्सन एक्सट्रोवर्ट, कॉम्प्लीमेंट देना, आपके बगल से 2.5 फुट से कोई आदमी गुजर गया और आपने हेलो नहीं की तो आप सीरियस नहीं है बिजनेस में, कोई बुरा नहीं कहेगा। व्हाट इट लिस्ट, बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। और लिस्ट में भी स्ट्रांग लोगों के साथ शुरू करें काम, मजबूत लोगों के साथ। समटाइम आप लोग स्वाच करते हैं, आई एम वेरी सॉरी कि जी इनका बिजनेस 1-15 का तो नहीं हुआ, 99,000 का हुआ है, अगली बार हो जाएगा, लोकली फंक्शन है, इसको स्टेज पे चढ़ा दो। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? इफ यू विल रिवार्ड द पुअर यू विल प्रमोट पॉवर्टी इन योर बिजनेस। अगर आप कमजोर को शाबाशी दोगे तो आप अपने बिजनेस में कमजोरी फैलाओगे। कमजोर से मुराद, गरीब से मुराद मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, इरादों से कमजोर, एम्बिशन से कमजोर, कमिटमेंट से कमजोर, करेक्टर से कमजोर। हेल्प द स्ट्रांग वन। एमएलएम सामाजिक जीवन, अलग अलग चीजें हैं। समाज में हम उसको हेल्प करते हैं जो कमजोर होता है, करनी भी चाहिए। परिवार में उस बच्चे को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो कमजोर होता है, और इस इंडस्ट्री में जो स्ट्रांग है उसको हेल्प करेंगे तो आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। ये वैसे ही है कि आपको अंधेरे रास्ते से गुजरना है और आपको 2 अंग रक्षक चाहिए, तो आपसे शक्तिशाली होंगे तो अच्छा है, या आपसे कमजोर होंगे तो अच्छा है। कमजोर हुए तो आपको उठा के लाना पड़ेगा उनको। बिग लिस्ट, वर्क विद स्ट्रांग, हेल्प द स्ट्रांग। बड़ा रिवर्स लगेगा उसमें। एक शेर है कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। हेलो, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। कमजोर क्या है, हवा आएगी बुझ जाएगा, कुछ नहीं होगा, 84 रुपए की किटली, कपड़ा सिलाया, बात खत्म हो गई। स्ट्रांग को संभालना है। शायर क्या कहना चाह रहा है कि अगर स्ट्रांग को हवाओं से नहीं बचाया तो आग लगा देगा। ये भाव है इसका। अगर स्ट्रांग को केयर किया आपने तो आपका बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा। बिग लिस्ट, वर्किंग विद स्ट्रांग पीपल, इट विल डिलीवर स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस। थंब रूल। अब मैं ये बात कह के किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आपका मन है, एम्बिशन है, अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन लिस्ट बड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक्सपेंड योर लिस्ट। ढंग से मिला लोगों से कल से। क्यों जी, एक आपको सूत्र दूं, किसी व्यक्ति के साथ अगर आपकी आंखें मिल जाए और वह सौम्य सोबर सा चेहरा हो तो उसके पास चले जाए, उनसे पूछें कि हम पहले कभी मिले? क्या पूछना है? हम पहले कहीं मिले? वो तक क्या जवाब देगा? लग तो रहा है 99.9% केसेस में ये जवाब होगा उसका, क्या लग तो रहा है। फिर बोले हाँ कहाँ मिल रहे होंगे, मैं देहरादून में रहता हूँ। मैं तो देहरादून में नहीं रहता, पर मैं वहां आता जाता हूँ। यदि आपके पास, देखिए दूसरे को अगर आप इरिटेट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जस्ट बात को खत्म करिए, एनीवे इट्स नाइस मीट, ये मेरा कार्ड है, तो आदमी तुरंत पर्स में हाथ मारेगा। अलग अपने पे, आपके नहीं। यानी वो आपको कार्ड एक्सटेंड करेगा, और फिर जी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस शुरू हुए रिश्ते को कहां तक ले जाए। लेकिन जब आप ले जाना चाहें, जब आप ऐसा करें, तो मन में ये भाव लाएं कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में आया है, इसको मालिक ने भेजा है, मैंने इसके साथ कुछ बढ़िया और अच्छा करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना। गॉट इट? एक्सपेंड योर लिस्ट। रिस्पेक्ट द मिस कॉल्स, रिस्पेक्ट द रॉन्ग नंबर्स। रॉन्ग नंबर आए तो कॉल की बार मजा आ गया। वो आदमी सामने से कहता है कि भाई साहब रॉन्ग नंबर आया। मैं कहता हूँ सुन तो सही तूने।
तू याद करेगा कि तूने कैसे कर दिया रंगों में। मैं अभी शिमला था, वृंदर मेरे साथ थे, हम मीटिंग करके निकले, अभी बाईपास में अंदर ही थे, हमने गाड़ी रोकी, पीछे एक फैमिली हमारी और आ रही थी, उनको हम वेट कर रहे थे। एक फोन आया तो पूछा कि टमाटर क्या रेट बिके आज। टमाटर किस रेट बिके? इससे पहले मैं बोलूंगा उससे तो उसने गाड़ी नहीं बेची आपने। मैं कभी बेचता हूँ देखो। अब देखिए ऐसे में आपका मेरा जवाब कुछ भी हो सकता है, आप इरिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, जो भी है, लेकिन अमूमन हम नहीं। मैंने उसने कहा कि आपकी बात से मेरे को लग रहा है कि आप एक व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, ये मेरा जवाब था। बोले जी आप करनाल से मंडी से नहीं बोल रहे? मैं भाई मैं करनाल से नहीं बोल रहा, मैं शिमला में हूँ। और आप टमाटर आप क्या ग्रोअर हैं, आप सब्जी उगाते हैं क्या? कहता हाँ। मैंने कहा मैं इसी ऐसे ही सिलसिले में यहाँ आया था, अच्छा हुआ आपसे बात हो गई। कहते जी मैं समझा नहीं। मैं कहा ऐसा है कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, आपकी दुकान है, आप सप्लाई करते हैं, आप फेरी लगाते हैं। उसे ऐसा जानना चाह। मैंने कहा हमारी मिल है कहाँ? भीलवाड़ा में, यहाँ सामान बेचते हैं, लेकिन अभी हम सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह का कपड़ा बिकता है। तो मैंने बोला कि देखिए आप भी व्यापारी हैं, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। जो फोन पे बात कर रहा था व्यक्ति वो शायद ज्यादा अनुभवी नहीं रहा होगा, तो वो कहता रुकिए 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 मैं भाई साहब को बुलाता हूँ। भाई साहब आ गए, भाई साहब पास खड़े सारी बात सुनते थे, वो बड़ी उनको क्यूरियस थी कि कैसा कपड़ा है, कैसे बिकता है। तो फोन रखने से पहले उस व्यक्ति ने गिन के 5 बार बोला कि द्वारा आओ तो जरूर मिलना, द्वारा आओ तो जरूर मिलना। मैंने कहा यार मेरे पिताजी भी मिलेंगे, तू क्या बात कर रहा। लिस्ट लिस्ट नहीं है तो ये बन सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। एक नया व्यक्ति, अगर आप प्लान दिखाते हैं, एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का हल हो सकता है। आप एक ही ग्रुप को सुधारने में लगे हुए हैं, एक बढ़िया सा बंदा ढूंढिए, नीचे स्पॉन्सर करिए, मजबूरी में काम करना पड़ता है लोगों को पीछे, क्यों सर? लिस्ट फर्स्ट वन इज नॉलेज, बहुत सारा एक्सपेंड कर रहे हैं, नॉलेज अनुभव। और इस बिजनेस में जब आपका बिजनेस चल रहा होता है सबसे ज्यादा 90% जिस नॉलेज की आपको जरूरत है उसका नाम है लोग व्यवहार, डेल करने की, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं, ये या पब्लिक लाइफ से जुड़ा कोई भी काम, और सुबह गीता रामायण कुरान बाइबल की तरह आप आधा एक घंटा लोक व्यवहार नहीं पढ़ते तो मुश्किल होगी। नए नए लोग आएंगे, नए नए ख्याल, नए नए सवाल। अभी मैंने एक महापुरुष को पढ़ा, उन्होंने अपने जीवन की टोटल सक्सेस के बाद एक थंब रूल जो लिखा, ये बहुत बड़ी कामयाबी के लिए सबसे बड़ा जो काम करना होता है, जो मुश्किल है, वो क्या है? बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना। और हमारे बिजनेस में चैलेंज क्या है, एक कोट है, मूर्ख लोगों को इकट्ठा करना आसान होता है, लेके चलना मुश्किल होता है। और अक्लमंद लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेके चलना आसान होता है। सो जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आपने मिस्टर एक्स को स्पॉन्सर किया, आप जानते हैं उसको, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो कल आपके सामने वकील को खड़ा करे, जनरल को खड़ा करे, गवर्नर को खड़ा करे, अनपढ़ को खड़ा करे, लेडी को, जेंट्स को, किसको खड़ा करेगा, किससे मिलवाएगा आपको? यू डोंट नो। तब लोक व्यवहार बिजनेस को बढ़ाने में, यहां तक लाने में लोक व्यवहार मेरे को जितना बाहर काम आया उससे 1000 गुना काम आया मेरे घर पे। हेलो, वहां हैंडल करना स्थितियों को कोई आसान लगता है आपको? जब 6 दिन बाद आप घर पहुंचे, कब? रात को नहीं, सुबह 9 बजे, और सूचना दें कि बैग में से पुराने कपड़े निकाल लो, नए डाल दो, मैं जा रहा हूं। विक्रम बेताल की कथा सुनी आपने? सुनी नहीं सुनी? विक्रम बेताल की कथा थी कि विक्रम जो है वो योद्धा है, बेताल जो है वो जिन है, उसको पकड़ लेता है। जब पकड़ के उसको ले जा रहा होता है तो एक शर्त थी कि मैं तुम्हें कहानी कहूंगा सुनाऊंगा। बेताल बोलता है,
लेकिन अगर तुमने हूं बोला, यस बोला बदले में, तो मैं छूट जाऊंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ। लेकिन वो बेताल उसको कहानी में उलझा के इतना ज्ञान बुद्धि पूर्वक प्रश्न पूछता है कि उसकी जुबान से यस या हां निकल जाती है। जैसे वो हां निकलती है तो वो कहता मैं चला, तू बोला मैं चला। बहुत दिनों बाद मैं कंजेक्टिवली एक आध दिन घर पे मेरे नहीं दिया पिछले दिनों, वो घर से बड़ी नाराजगी थी। हमारी LTP थी 27 को, उस दिन सॉरी 11 को, 10 को मेरा बर्थडे था, मैं जन्मदिन के दिन भी घर नहीं गया। जाने का प्रोग्राम था, एक प्यारी सी डाउनलाइन आ गई, सारा प्यार भूल गई, चंडीगढ़ में भी रुक गया मैं। तो अगले दिन आना था टाइम पे, तो मैं नहीं पहुंचा, तो मैडम गाड़ी लेके चंडीगढ़ दम गई। एक घंटे बाद मीटिंग थी और मेरे को पसीना आ रहा था, और ध्यान में पता क्या आ रहा था, 7वां दिन है। ऐसे टाल टाल के मैंने उनको 2 दिन का 1.5 दिन का टाइम दिया। सुबह छुट्टी थी, 11 बजे का टाइम था, मेरे मन में था कि 11 ही बजे हैं यार, अगर अभी भी कहीं चला जाए तो कुछ काम हो जाए। हम दोनों बैठे थे, मैंने पूछा मैडम आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कहती हाँ। मैं कहा फिर मैं जाऊं? कि अगर तू तो खुश मैं चला। मैं तो यहां इसलिए आया हूं कि आप नाराज हो, अगर आप खुश हो तो मेरे को जाने दो, काम करने दो भाई। लोग व्यवहार, आपको इसकी घर पे भी जरूरत पड़ेगी, बाहर भी जरूरत पड़ेगी। ग्रुप बढ़ेगा, डिस्टेंस पीपल, दूर दूर तक लोग, उनकी हैंडलिंग इधर आपके सब। मैं इधर एंट्री कर रहा हूं यहां पे अंदर आने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मैं लेट हूं, अंदर मीटिंग है। अंदर आने से पहले एक फोन आ रहा है कि मैं उत्तरांचल से आया हूं, चंडीगढ़ पहुंचा हूं, पिकअप सेंटर का एड्रेस क्या है, कैसे जवाब देंगे आप? हम्बल लोग व्यवहार, जब आप कामयाब होंगे, जिन लोगों का पिछले 25-30 साल से आपका रिश्ता है वो छोड़ देंगे आपको। यू नो व्हाई? क्यों? जेलस। ये चैलेंज है, याद रखना, क्योंकि इस बिजनेस में जो एडुकेशन है वो खतरनाक चीज भी है। इसका चेक बनता है तो 15 किलोमीटर में जो आदमी बात करता है उसको 40 बना देता है, अगले 20 किलोमीटर में 70 हो जाता है। अगर आप कहीं दूर गांव में रहते हैं तो वहां जाते जाते तो 10 लाख हो जाता है। गांव वाले कहेंगे हमारे पास आता तो उन्हीं चिचड़ों में आता है, पैसे इतने बनाता हमें तो डर होता है ना, होता है। इन स्थितियों को हैंडल करना, लोग व्यवहार समझना। नॉलेज से मतलब है, मैं किस कंटेंट पे बात कर रहा हूं, 4th one इज नॉलेज। नॉलेज का मायने MBA करना नहीं है, इस इंडस्ट्री का टोटल ज्ञान आपको ज्ञान होगा इस इंडस्ट्री में काम करने से, लेकिन लोक व्यवहार और ये कैलकुलेशन पार्ट, कितनी कैलकुलेशन से कितने पैसे बनते हैं, छोटी सी बात है, 3rd-4th grade के बच्चे को आप समझा सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, लोक व्यवहार और उसमें आपकी डीलिंग प्रैक्टिकली, कुछ अनुभव जिनको आप लेके आगे जा सकते, और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है गो थ्रू। मैंने बड़ी बड़ी स्टेजों से ये सुना है कि इस इंडस्ट्री में जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी आदमी 1 हफ्ते में ले सकता है, 10 दिन में प्रवीण हो जाएगा उसमें। लेकिन लोक व्यवहार, क्योंकि वो अपने आप को बदलने की चीज है, अपने आप में बदलाव लाने की चीज है, उसमें समय लगता है। और जब लोग छोड़ते हैं, मैंने अभी क्या बोला, पीपल नेवर क्विट बिजनेस, पीपल क्विट पीपल। लोग लोगों को छोड़ देते हैं, क्यों? व्यवहारिक भूलों की वजह से, व्यवहारिक गलतियों की वजह से। उसमें आप प्रवीण हो जाए, उसमें आप निपुण हो जाए, एक छोटी सी किताब आपके पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकती है। माइंड इट, इस बात को आप बिल्कुल लाइटली ना लें। 5th one इज टाइम। अगर आप विर्थ में एक्सपेंड करेंगे, यू नीड एक्स्ट्रा टाइम। सपोज 2 ग्रुप हैं, ए और बी। ए भी मिच्योर है सपोज 5 लाख का, बी मिच्योर है 2.5 लाख का, 3rd one। अब इसको तो ए को तो एक लीडरशिप संभाल रही है, एक ग्रुप की जो सीनियर लीडरशिप है वो संभाल रही है, प्लान दिखा रही है, मीटिंग कर रही है, मीटिंग बुला रही है, सीनियर बुला बुला बुला, एवरीथिंग इज गोइंग। बी को बी की लीडरशिप संभाल रही है। अगर अब मेरे को सी और डी में जाना है तो वहां कौन है मेरे साथ? मी एंड माई स्पॉन्सर, 2 लोग। माई स्पॉन्सर इज वेरी बिजी। जो व्यक्ति मेरे 60 लाख रुपए के बिजनेस को मंथ में 2 दिन स्पेयर करे मेरे लिए, रिपेयर
वो मेरे नए 10,000 के बिजनेस के लिए कितना टाइम स्पेयर करेंगे? व्हाट यू थिंक? ऑलमोस्ट नल, मेरे को अकेले करना है, देन यू नीड द टाइम। अगर आप शुरू में ये गलती कर रहे हैं 2 या 3 4 ग्रुप बनाने की, तो ध्यान दें, एवरी इंडिविजुअल इज योर पर्सनल स्पॉन्सर्ड पर्सन, एवरी न्यू ग्रुप इज योर ग्रुप। सबकी क्लोजिंग करवाना, सबके यहाँ मीटिंग लेना, सबको जो है ट्रेनिंग देना, सबको लेके आना और सबको हैंडल करना, क्रॉस लाइन फैक्टर को अवॉइड करते हुए। पर्याप्त समय चाहिए, दैट्स व्हाई बेस्ट इज बिल्ड टू। और टाइम को लेके जो चैलेंज है, क्योंकि दो ग्रुप को बनाते हुए भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि अगर मेरे पास समय हो। मैं आपको याद दिलाऊं, जिन लोगों के पास कम समय होता है वो ज्यादा काम करते हैं। जितना ज्यादा फालतू समय होगा उतनी ज्यादा टाइम की वेस्टेज होगी। लोग 3-3 घंटे बैठ के परिचर्चाएं करते हैं बिजनेस की, हेलो, चिंताएं करते हैं कि कैसे चले, प्लान नहीं दिखाते उस टाइम में। माइंड, पंजाबी में कहावत है, बेली रन परौणिया जोगी, बेली रन परौणिया जोगी, यानी जिस घर में लेडी को कोई काम नहीं होता उस घर में मेहमान बहुत आते हैं। रियली? क्यों जी? सपोज आप जॉब में हैं, आपकी वाइफ जॉब में है, तो आपके घर में जल्दी कहीं कोई मेहमान नहीं आएगा, उसको पता कि पूछेगा कौन, मेहमान कहाँ जाता है जहाँ सेवा होती हो। क्यों जी? तो अगर आपके पास खूब सारा टाइम है तो खूब सारे फालतू के काम भी आपकी तरफ होंगे, बिजी आदमी के पास नहीं है। और जो आदमी बिजी है वो शेड्यूल्ड है, उसको पूरी दिनचर्या का पता है, वो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के एक एक्स्ट्रा काम करेगा। आप पूरा दिन खाली रहेंगे, आपको मैडम बोलेगी कि 4 चीजें ले आना बाहर से, आप 3 भूल जाएंगे। जो बिजी आदमी है, शेड्यूल्ड आदमी है, वो उतना काम भी बताया हुआ पूरा कर लेगा। रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंडिया में भी है, चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, उसके पास टाइम है एक्स्ट्रा टाइम। अनिल अंबानी के पास टाइम है 20 किलोमीटर भाग के सैर करने का, और हम बड़ी बड़ी तोंद निकाल के फिरते हैं इसलिए कि टाइम नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन ही नया बना है, उसका उन्होंने नाम दिया है इन्वेस्टमेंट कमीशन, आई थी पिछले हफ्ते की बात। इन्वेस्टमेंट किसको बनाया उसका? रतन टाटा को। टाइम है उसके पास फॉर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे पीपल हैव टाइम, पर मेरे और आपके पास नहीं। आपको लोग मिलेंगे, अभी दिल्ली में मैं एक व्यक्ति से मिला, एकदम वेरी स्मार्ट यंग चैप, कहते जी काम तो अच्छा पर मेरे पास अगर टाइम होता मैं जरूर करता। क्या करते हैं? जॉब है जी किसी एजेंसी में, ओके, कितने घंटे? 8-9 घंटे, 2-3 घंटे आने जाने में लग जाते हैं जी, बस टाइम बचता ही नहीं, बस आके थक जाते हैं, सो जाते हैं। शादी करनी है? यस, अगर शादी करनी है तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालोगे या नहीं निकालोगे? नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नए रिश्तेदार जुड़ते हैं, नए काम हैं, मैडम के 2 शौक हो सकते हैं, निकलेंगे टाइम? हाँ जी, वो तो निकालना पड़ेगा जी फिर। तो 2 घंटे कहाँ से आएंगे? तो तब आपका जो दिन है वो 26 घंटे का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अगर 2-3 घंटे आप गृहस्थी के लिए निकालेंगे तो 10 महीने बाद ईश्वर की कृपा भी होगी। हाँ जी, गृहस्थी किस लिए? बच्चा होगा, बच्चा होगा तो 2 घंटे और चाहिए या नहीं चाहिए? बीइंग फादर भी चाहिए, मदर को तो चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए क्या? वो टाइम कब आएगा, कहाँ से आएगा? दूसरा बच्चा भी होगा, फिर उनकी सर्कल शुरू होता है इम्यूनाइजेशन का, आज उसको इंजेक्शन लगना है, आज ऐसा होना है। आपने किया नहीं ये सब क्या? तो वो टाइम कहाँ से जनरेट होता है? अपने आप से होता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन कैन जनरेट द टाइम। आम आदमी टाइम को किल करता है और खास आदमी टाइम को जनरेट करता है, और जनरेट ही नहीं करता, रीजनरेट करता है। एक टाइम में 2-2, 3-3 काम करते हैं लोग, ये सेटल देयर शेड्यूल। हम लोग अखबार में टाइम देते हैं, हम लोग देखिए, मैं अखबार नहीं पढ़ता पर मेरे को सारी खबरें पता रहती हैं, ऐसे लोग बताते हैं। क्यों? आप सुबह उठेंगे, ऑफिस में जाएंगे, आपका कोई भी कुली, तुमने अखबार पढ़ा? ना, नहीं पढ़ा। फिर क्या हुआ? वो आपको 45 मिनट की न्यूज ब्रीफ करके बताएगा 5 मिनट में। आप उसको बता क्या बोले? थैंक यू। तुम डाइट में क्यों खर्च करो भाई? देखिए, कामयाब बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके पास एक पीए होता है, वो सारी अखबारें पढ़ता है और फिर बॉस को ब्रीफ करके बताता है। आपको तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, लोग फ्री सेवा करने के लिए तैयार है। हर इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आपको कोई ना कोई आदमी
बताएगा। बाय बाय। रतन टाटा की न्यूज़ मैंने, आई वॉज ट्रेवलिंग समवेयर, बगल में एक व्यक्ति बोल रहा था, सुबह मैंने फिर उसको पढ़ा, क्योंकि ये बिजनेस की न्यूज़ थी। देखिए अखबार ले ना तो उसको पीछे से शुरू करें, आगे से नहीं। आगे क्या होगा? बस गिरी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर आप पीछे से खोलेंगे तो आप देखेंगे कि किसने जीता। स्पोर्ट्स पेज, हेलो, कौन जीता? हाँ जी, क्या बात है, गुड, ग्रेट, यस। देखिए जानकार होने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री लेने की जरूरत हो सकती है, जानकारी के लिए सिर्फ कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, ऑब्जर्व करें चीजों को। बहुत सारा नॉलेज बिखरा पड़ा है, गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका सारा टाइम जो है विदेश में बीता, ऐसे कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश का कोई साइन बोर्ड नहीं होता, जहाँ की भाषा इंग्लिश नहीं है, और वो यहाँ आए इंडिया में, 2 साल रहे, उन्होंने इंग्लिश सीखी, बहुत बड़ी बात में माना। मैंने उनसे पूछा कि कैसे सीखी, कहता साइन बोर्ड पढ़ के, केवल साइन बोर्ड पढ़ के, साइन बोर्ड, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, यू कैन डू। मैंने उर्दू सीखी, पता कैसे? रेत पे लिख ले, रेत पे, पहले कुछ हर्फ सीखे, फिर उसको सिर्फ प्रैक्टिस किया, लिख कर तेरा नाम जमीन पे, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, किसी का नाम भी लूं तो तुम्हारा नाम आए। वाओ, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स चाहिए, यदि आप इस उम्र में अडल्ट होके, मेच्योर होके आप चाहेंगे कि आपको खूब सारा टाइम मिले और आप कुछ बड़ी ऐसा कर लें, तो शायद नहीं मिलेगा। छोटे छोटे टाइम के जो स्लॉट्स हैं, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं, उनका भरपूर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सहमत है, विश्वास है? अल्टीमेट ये जो बिजनेस है, इसकी जो विड्थ की बात है, ये बात कोई राज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को बताई जाती है, किसी को नहीं बताई जाती, लेकिन ये बात क्लियर है, एडवाइजेबल जो है वो ये है कि सिक्योरिटी फर्स्ट। दो ग्रुप बनाएं, अच्छे ग्रुप बनाएं, मजबूत बनाएं, उनमें स्ट्रेंथ और उनमें करेक्टर डिलीवर करें, देन काउंसिल करें अपलाइन के साथ, क्योंकि विड्थ में काम करते हुए आपकी अपलाइन का सपोर्ट जब तक नहीं होगा, तब तक बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं आप में से जो बाहर काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी उसमें है, मेरे अपने यू नो मेरी क्षमता के अंदर जो है, तो मुझे पता है कि मैं कितना कितना कहाँ कहाँ किसको सपोर्ट कर सकता हूँ, किसको इस महीने कर सकता हूँ, किसको नेक्स्ट मंथ कर सकता हूँ। आई नो, हौसल करें उस चीज़ को, देन उसको प्रोसीड करें, उससे पहले नहीं। प्राउड, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग ग्रेट, बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।